नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वाओ इलेक्ट्रिकल में। और आज हम बात करने जा रहे हैं रजिस्टर। व्हाट इज़ द रजिस्टर, तो चलिए उसके बारे में हम जान लेते हैं आज। तो व्हाट इज़ रजिस्टर, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं रजिस्टर कुछ इस टाइप का हमें दिखता है। तो ये सिंपल इमेज अपने दिमाग में रखिए कि रजिस्टर दिखता किस टाइप का है। तो ऐसी चीज़ आपने कई सर्किट डिवाइस में देखी होगी, बहुत सारी सर्किटों में, या मोबाइल है, लैपटॉप है, सब में रजिस्टर यूज़ होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। द रजिस्टर इज़ अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट टू क्रिएट रजिस्टेंस इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज़ दिस मीन, तो सबसे पहले तो रजिस्टेंस पैसिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, और ये जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं उसको रजिस्ट करने का काम करता है। तो आगे जानते हैं हम इसके बारे में। रजिस्टेंस इज़ अ पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर हमको पता चला कि टू टर्मिनल कंपोनेंट है, दैट इम्प्लीमेंट इलेक्ट्रिकल रजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट, और वो सर्किट का एक एलिमेंट भी है। इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रजिस्टेंस आर यूज टू रिड्यूस करंट फ्लो। तो रजिस्टेंस का यूज़ कहाँ पर होता है, सबसे पहला तो रिड्यूस करंट फ्लो, करंट के फ्लो को कंट्रोल करने में। दूसरा एडजस्ट सिग्नल लेवल, सिग्नल के लेवल को अप डाउन करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। टू डिवाइड वोल्टेज, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए भी इसका यूज़ होता है। एंड बायस एक्टिव एलिमेंट के लिए भी रेजिस्टेंस का यूज़ होता है। टर्मिनेट ट्रांसमिशन लाइन में भी इसका यूज़ होता है, और बहुत सारी जगह है जहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, उसके लिए रेजिस्टेंस को जानना एक बेहतरीन काम है, क्योंकि वो एक बेसिक एलिमेंट है जिसके बारे में उसको पता ही होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस काम कैसे करता है उसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोलॉजी के द्वारा हम समझते हैं वाटर टैंक है, और यहाँ पर बाल्टी ए एंड बाल्टी बी। तो यहाँ पर बाल्टी ए में कोई भी रुकावट नहीं है, इसलिए वो तेज़ी से फिलअप हो जाएगा। और बाल्टी बी में बहुत सारी रुकावट है, मीन्स के अगर ये सर्किट होती तो इसमें इलेक्ट्रो रेजिस्टेंस बहुत सारे है, तो ये टाइम लेगा बाल्टी को फिलअप करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट लाइक थ्री रेजिस्टेंस है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में बढ़ जाते हैं, इसके लिए फ्लो कंट्रोल हो जाता है, फ्लो कम हो जाता है। नाउ अब हम जानेंगे रजिस्टर की डेफिनेशन क्या होती है। रजिस्टर हमें पता है कि कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। रजिस्टेंस इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। व्हाट रजिस्टेंस इज अ पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट विद द प्राइमरी फंक्शन। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लो के करंट को लिमिट करने का काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सिंबल कुछ इस टाइप के हैं। यहाँ पर zigzag ओल्ड सिंबल है, और यहाँ पर जो दिख रहा है आपको ये न्यू सिंबल है रेजिस्टेंस का। तो दोनों ही सिंबल आप इलेक्ट्रिकल या सर्किट डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। रेजिस्टेंस को बहुत सारी जगह पर यूज़ होता है, इसीलिए आपको इसका सिंबल भी पता होना चाहिए। नाउ हम थोड़ा और जान लेते हैं व्हाट इज़ रेजिस्टेंस। इन ऑलमोस्ट ऑल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दे कैन बी फाउंड, सभी जगह आप लगभग 99% आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा सभी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। द रेजिस्टेंस इज मेजर इन ओम, किस में मेजर होता है, ओम में मेजर होता है। एंड ओम इज द रेजिस्टेंस दैट ऑकर्स व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर पासिस थ्रू अ रेजिस्टेंस विथ 1 वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच टर्मिनल। तो ये ओम्स लॉ का डेफिनेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो यहाँ पर तो हम सिर्फ रेजिस्टेंस क्या है उसके बारे में जानेंगे, और ओम की डेफिनेशन भी हम ओम्स लॉ में ही जानेंगे। द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल एंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओम्स लॉ मीन्स आर इज इक्वल टू वी बाई आई। ओके, तो इसके बारे में हम जानेंगे। अभी तो हम रजिस्टर के बारे में ही जान लेते सही से। नाउ रजिस्टर इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पस, अ फ्यू एग्जाम्पल इंक्लूड द लिमिट इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज डिविजन,
हीट जनरेशन, अगर हीट जनरेशन करनी है तो भी रेजिस्टेंस का यूज़ होगा। मैचिंग एंड लोडिंग सर्किट, कंट्रोल गेन, फिक्स टाइम कांस्टेंट, दे आर कॉमर्शियली अवेलेबल विथ रेजिस्टेंस वैल्यू ओवर अ रेंज ऑफ मोर देन 9 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दे कैन बी यूज्ड टू एज अ इलेक्ट्रिकल ब्रेकर टू डिस्पैच काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ट्रेन। ओके, ट्रेन में भी ये यूज़ होता है। और बी स्मॉलर देन अ स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, और हमारी लाइफ में कौन सा एग्जांपल है कि हम रजिस्टर को समझ सकते? तो आपने अपने फ़ैन को देखा होगा, फैन में रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर में जब भी आप रेजिस्टेंस कम करते यानी कि स्पीड बढ़ाते हैं तब रेजिस्टेंस कम होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो ज़्यादा होते हैं, इसकी मदद से फ़ैन फास्ट फ्लो होता है। अगर आप उसकी स्पीड घटा देते हैं मीन्स रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, जब भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो स्लो हो जाएगा और आपका फ़ैन भी स्लो घूमने लगेगा। तो इसी तरह से आप रेजिस्टेंस को समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।